गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भी एक नई ब्लॉग चैनल में। और ये है डे थ्री। इस वक्त बज रही है सुबह की 4। बाहर हो रखा है घनघोर अंधेरा, देख सकते हैं आप, पूरा सुनसान। बट गाँव में जो तैयारियां होती है वो आधी रात में शुरू हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखिए, इसने पूरा माहौल खराब कर रखा है। सुबह से दाल भिगा रखी थी पकौड़े बनाने के लिए और चावल भिगा रखे थे अरसे बनाने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से सारा चीज़ें खराब हो गई। बट फिर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से काम चल रहा है ये पकौड़े बनने के। देखिए मौसम अभी थोड़ा थोड़ा ठीक है, बट फिर भी काम रुकना नहीं चाहिए। गांव वालों की मेहनत और हिम्मत की बदौलत आप देख सकते हैं किस तरीके से दाल पीसी जा रही है। तो दोस्तों, पकोड़े वगैरह के लिए मसाला पिस चुका है दाल, और अब पकोड़े बनने की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं पीछे लोग, गांव के लोग पकोड़े बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए पकोड़े बन रहे हैं, और ये दिन के लिए छोले। भैया छोले चावल बना रहे हैं आज। देखो वहाँ पे बन रहे अरसे। तो मैंने आपको दिखाया, देखिए गांव वाले कैसे सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं मेहनत करने में, अरसे बनाने में, सॉरी पकोड़े बनाने में। अब अरसे बनेंगे। अरसों के लिए जो चावल भिगो के रखा था वो पिसवाने भेज रखा है अभी, बारिश की वजह से, नहीं तो हम यहीं पिसते उनको। मैं आपको दिखाऊँ कहाँ पिसवाना था उन्होंने, दिखाता हूँ। देखिए चौक, देखिए ये होता है गांव में ओखली, इसमें पीसते हैं अरसे के लिए चावल। बारिश की वजह से हमको ओखली की जगह मशीन में वो चावल पिसवाना पड़ा। कुछ सेटअप नीचे भी लगा है, वहाँ पर भी दिखाता हूँ आपको। तो चलिए घर के नीचे वाले घर में क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ चल रहा है पारंपरिक खेल, जो सीप है वो यहाँ पे खेला। यहाँ उत्तराखंड का पारंपरिक खेल चल रहा है। देखो ये हमारे पीछे वाले घर है और ये पीछे पहाड़ है, ठीक है। वो देखो, वो जो नीला घर दिख रहा है पीले घर के जस्ट बगल में, ये वाला, वो हमारे दीप्ता का कूड़ा है। ये जो छत दिख रही है ये हमारा घर है, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक। ये बारिश की वजह से पूरा वो हमारा सगोड़ा है, वहाँ पे देखिए पकोड़े वगैरह बन रहे हैं। ये पहाड़ में ऊपर हमारी देवी माता का मंदिर है, भरड़ी देवी, और ये सामने वाले पहाड़ हैं। ये बाकी आगे के घर हो गए। वो जो नीचे ये वाला घर दिख रहा है ये ग्रीन कलर वाला, ये जो लाल कलर का शेड लगा हुआ उसके नीचे ये वाला घर, ये भी हमारा घर है। ये भी नया बनाया है चाचा ने, और उसके बगल में हमारी छन्नी है जिसमें गाय बैल है हमारे। तो ये है हमारा गांव। ये जैसा कि देख सकते हैं पीछे पूड़ियाँ बन रही है। एक्चुअली ये रिवाज है कि गांव में जो पकौड़ियाँ बटेगी ना उसके साथ दो दो पूड़ियाँ भी बटती है। दोस्तों इस बारिश ने पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया। आप देख सकते हैं हमने इतनी मेहनत से इसके ऊपर प्लास्टिक, चांदनी, तिरपाल, क्या क्या लगाया था, बट आप देख रहे हैं बारिश कितनी तेज़ हो रही है। ऊपर देखिए पहाड़ों का रंग, ये देखिए बारिश, ये देखिए इतनी जगह हम लोगों ने, ये देखो पानी, ये देखो कैसे भर गया इसमें, ये देखिए जगह जगह से पानी गिर रहा है। हर जगह बर्तन लगा रखे हैं ताकि कहीं से तो बचे।
दोस्तों सुबह से बारिश ने इतना बुरा हाल कर दिया, सही में जो भी आजकल के प्रोग्राम थे वो सब हैम्पर कर दिया उसने। फिर भी लोग एकजुट होकर लगे हुए हैं, जैसे तैसे सुबह पकौड़े का प्रोग्राम किया है। अभी अरसे दिखाता हूँ आपको कैसे बन रहे हैं। ये देखिए, देख रहे हो आप कैसे बना रहे हैं लोग, इतनी मेहनत करके लोग अरसे बना रहे हैं। हाँ बारिश के मौसम में कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग। देखिए बारिश अभी भी आसमान का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कब तक साफ होगा। अब कल न्यूतेर है, परसों बारात, तो भगवान एटलीस्ट कल और परसों ही बारिश ना आए, जो बरसना आज बरस ले। हाँ ये हलवाई आ रहे हैं। चाचा देखो, चाचा भी आ रहे हैं। नमस्कार जया, कितनी मेहनत से लगे हुए हैं। और ये देखिए इन लोगों को यहाँ पे, ये शंकर सिंह। यस सर। बहुत बढ़िया शंकर साहब, कितने साल बाद आए हो आप गाँव? 8 साल। कैसा लग रहा है? ठीक है वो मनोरंजन के कार्यक्रम तो होना है व्यवस्थाओं के लिए परेशानी तो है, बहुत सारे काम निपट गए। कल दिन मेला सब भी निपट गया है। आज सुबह जो है मैं जब गांव आते थे तो सुरेंद्र भाई जो छोटे भैया है इनको गाना गवाते थे और वो ये नहीं मानता था कि आगे चल के ये अच्छे गायक भी बनेंगे और आज जो है बहुत अच्छे। देखिए किस तरीके से गोप्रो के साथ व्लॉगिंग चल रही है यहाँ। सुनिए उत्तराखंड के हनुमान इतने सारे जो है आप कितनी यहाँ परेशानी हुई होगी आनंद में हमारे एक मीडिया और आ गए भाई ब्लॉगर है भाई साथ ये ब्लॉगर तो है। अरे सॉरी यार चाची और चाची की छोटी बहन, चाची की छोटी बहन और चाची की छोटे भाई। आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। बारिश की वजह से पूरा माहौल काम सब हुआ बट मेहनत में कोई कमी नहीं, अभी भी स्ट्रगल चल ही रहा है टेंट के साथ साथ। अभी देखिए यहाँ पे सब काम में लगे हुए हैं, कुछ जुझारू कार्यकर्ता जो हार मानने के उसमें नहीं है, हिम्मत पूरी चल रही है उनकी। ये देखिए एक्सपर्ट को बुलाया है देहरादून से, सॉरी हरिद्वार से। लाइट की कुंडी हाँ देख लगता है।
निशानी भाई निशाना फेल छ अच्छा यहाँ 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 कौन कौन है जरा बताना इसको मैं फूफ बोलती हूँ बट फ्रेंड जैसी है अच्छा ये मेरी दोस्त है इसकी भी अगले साल शादी है ओह माय गॉड छोटी है ये भी और वो पीछे पीछे कौन है बॉडी है लेकिन ताई बोलते हैं गुड 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 जॉब ये देखो गांव के बच्चे से लेके लड़कों से लेके बड़ों से लेके हर तरफ से इस तरीके के कार्य में सहयोग दिया जाता है देख सकते हैं आप युवा दल बुजुर्ग दल बच्चा दल तेरा इश्क मेरा फितूर आपको आने दी होगी अरे इधर देख या गाइस डन फोटो तो भेज दो रुक जा मेला पासो देख सकते हैं आप कैसे रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है Yeah.